इस दुनिया में हर एक प्राणी मात्र जिंदा रहने की रेस में दौड़ रहा है। इसी रेस में किसी की जिंदगी किसी के मौत पे निर्भर करती है। लिहाजा हर एक प्राणी मात्र जिंदा रहने के लिए खुद में इतने बदलाव करता है कि वो आसानी से शिकार कर सके और आसानी से किसी का शिकार न हो। तो वो कौन से जानवर है जिनका जिंदा रहने का और अपने शिकार करने का तरीका सबसे अनोखा है, चलिए जान लेते हैं। नंबर 5, मलेशियन लीफ इंसेक्ट। अक्सर उन चीजों पर भरोसा करना मुश्किल होता है जिनकी वजह से हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। कुदरत में बनी बनाई ऐसी हजारों कलाकृतियां हमें देखने को मिल जाएंगी। कुदरत की ऐसी ही एक अद्भुत बनावट है मलेशियन लीफ इंसेक्ट। इसे देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आंखों की सुनो या दिमाग की, क्योंकि दोनों ही अलग अलग बातें बयां कर रहे होते हैं। आंखें कह रही होती हैं कि ये चलता फिरता पेड़ का पत्ता है और दिमाग कह रहा होता है कि भाई ये कोई क्रिएचर है। बिल्कुल पत्तों जैसा दिखने वाला ये लीफ इंसेक्ट है। इस लीफ इंसेक्ट के इस दुनिया में हजारों दुश्मन है, इसीलिए इसे जिंदा रहना है तो पेड़ के एक पत्ते की तरह ही जिंदगी गुजारनी होगी। पेड़ों पर कई घंटों तक ये इंसेक्ट स्टैचू की स्थिति में रहता है, बिल्कुल भी बिना हिले डुले। अंडे देते वक्त भी अपनी जगह से नहीं हिलता। अगर यह हिला भी तो कुछ इस तरह से हिलता है जैसे कोई पत्ता हिलता नजर आ रहा हो। जो भी हो, लेकिन इस जानवर की न हिलने और एक पेड़ के पत्ते की तरह बर्ताव करने की ये काबिलियत मुझे काफी भा गई। नंबर 4, मौजी लीफ टेल्ड गेको। जब बात किसी दूसरे का रूप धारण करने की हो तो शायद ही कोई प्राणी मौजी लीफ टेल्ड गेको को पीछे छोड़ पाए। इस गेको की त्वचा का रफ टेक्सचर बिल्कुल किसी पेड़ की तरह होता है, इसी वजह से शिकार और शिकारी इस जानवर को पेड़ का हिस्सा समझने की गलती कर बैठते हैं। इसकी आंखों पे पलकें नहीं होती, इसी वजह से इसे बार बार अपनी जुबान से आंखों को गीला करना पड़ता है। प्रेडेटर्स की डर की वजह से गेको दिन में पेड़ पर आराम करता है और शिकार करने के लिए रात को बाहर निकलता है। कीट, स्पाइडर्स और बाकी छोटे मोटे जीव अक्सर इस गेको के बिछाए जाल में फंस जाते हैं, लिहाजा इसका खाना बन जाते हैं। सांप, ईगल्स और चूहे खास तौर पे गेको का शिकार करते हैं। इससे बचने के लिए अपने 2 से 9 साल की जिंदगी ये गेको ज्यादातर पेड़ पर ही गुजार देता है। नंबर 3, पिग्मी सी हॉर्स। इस दुनिया में अगर किसी प्राणी की खोज करनी सबसे मुश्किल है तो वो है पिग्मी सी हॉर्स। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में पाए जाने वाला ये जानवर सी फैन नामक समुद्री वनस्पति के टहनी का रूप धारण कर लेता है। ये बिल्कुल इस वनस्पति का एक हिस्सा ही नजर आता है। ऑरेंज कलर के पिग्मी सी हॉर्स ऑरेंज सी फैन पे जा बैठते हैं और पर्पल कलर के सी हॉर्स पर्पल सी फैन पे जा बैठते हैं। ये हमेशा से सवाल रहा है कि इनका एक ही रंग जिंदगी भर रहता है या ये वनस्पति के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। इसे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने ऑरेंज कलर के पिग्मी सी हॉर्स के जन्मे बच्चे को पर्पल रंग की वनस्पति के पास छोड़ दिया। लिहाजा आश्चर्य की बात ये रही कि इस बच्चे ने जिंदगी भर के लिए पर्पल रंग में ही खुद को तब्दील किया और आगे भी इस पर्पल वनस्पति पे बैठा रहा। नंबर 2, ओक लीफ बटरफ्लाई। दुनिया के सबसे खूबसूरत जीवों में से एक बटरफ्लाई को माना जाता है। इनकी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से हर किसी को ये काफी भाते हैं। लेकिन कुछ तितलियों ने शिकारियों से बचने के लिए खुद को इस तरह से इवॉल्व किया है कि इन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया है। ओक लीफ बटरफ्लाई एक ऐसी ही तितली है। ये तितली किसी पेड़ के पत्ते की तरह नजर आती है। इसे देखने के बाद शायद ही कोई बता सकेगा कि ये क्या है। जब इसके पंख मिटे होते हैं तो भूरे रंग के पत्ते की तरह इसकी बनावट नजर आती है। इसका असली रंग हम इस तितली को उड़ते हुए ही देख सकते हैं। मेल और फीमेल तितलियां दोनों के पास ये काबिलियत होती है, तथा एक फीमेल तितली अपनी जिंदगी में एवरेज 280 अंडे देती है। नंबर 1, वियतनामीज मोशी फ्रॉग। वियतनाम के जंगलों में पाया जाने वाला मेढक शायद ही आपने कभी देखा होगा। पानी में पाया जाने वाला मोस प्लांट, जिसे शैवाल भी कहते हैं, ये मेढक बिल्कुल इसी मोस प्लांट की तरह दिखाई देता है। इस प्लांट में अपने आप को इस तरह से छिपा लेता है कि लोग इस पर पैर दे के आगे बढ़ते हैं, फिर भी उनको पता नहीं चलता कि उनके पैरों के नीचे मेढक था। हरी भरी त्वचा, काले धब्बे और नुकीली कांटों की वजह से कोई जानवर होगा ऐसा महसूस ही नहीं होता। आमतौर पे दलदल ही इसका ठिकाना होता है, जहाँ ये अपनी छिपे रहने की असामान्य काबिलियत की वजह से काफी अच्छे से कीट का शिकार कर पाता है। इस मेढक को लगभग 20,000 रुपयों में बेचा जा सकता है। सो गाइस, ये थे कुछ ऐसे इंसेक्ट जो बिल्कुल किसी पेड़ की तरह या किसी प्लांट की तरह दिखते हैं और आपके दिमाग को भ्रमित कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।